योगी सरकार में लखीमपुर खीरी से आवास के नाम पर ग्राम प्रधान द्वारा अवैध वसूली का मामला सामने आया है। मामला बिजुला ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम लखा अलीगंज का है, जहां आवासों के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है, जिसमें ग्राम प्रधान द्वारा लाभार्थियों से पैसे वसूले जा रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि हम लोगों से ग्राम प्रधान द्वारा हर किस्त पर 5,000 रुपए लिए गए हैं और अभी तक हमारी 2 किस्त ही निकली हैं, जिसमें प्रधान ने 10,000 रुपए ले लिए हैं और तीसरी किस्त अभी तक नहीं निकली है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछली प्रधानी में हमारा आवास आया था, जिसका पैसा वर्तमान प्रधान द्वारा 2 किस्तों में निकलवाया गया है और तीसरी किस्त के बारे में प्रधान से जानकारी ली तो कहा कि पिछले आवासों के बनने का समय निकल चुका है, अब लाभार्थियों ने अपना पैसा लगाकर आवास को पूरा करवाया है। जो व्यक्ति अति गरीब थे उन लोगों का आवास अधूरा पड़ा है। हमारा समस्या आया है, हमारी 2 किस्ती मिली हैं या हमारे आवास आई रहा है, हमें 2 किस्ती मिली हैं 35,000 तीसरे किस्त ना मिली, 10,000 रुपया लेने दोनों किस्त पर 5,000। कौन किसने लिए पैसे? बलराम। बलराम कौन है? प्रधान। समस्या 70,000 निकला और तीसरी किस्त जो रही गई है वो बलराम 5,000 मांग रहे हैं। 14,000। किस चीज़ की किस्त रह गई? आवास के लिए। ये आवास कब आई थी? पिछले प्रधान में है, प्रधानी बदल गया रहा, चले निखर जाने तो कह रहे हैं वीडियो लोग 5,000 मांग रहे हैं, तब हम तो मैं निखार दे। कौन कह रहा है? प्रधान। कहाँ के प्रधान है बताइए? पूरा क्या नाम है? बलराम। टाइम समाचार के लिए लखीमपुर खीरी से शिवम गुप्ता की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए टाइम समाचार। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।